लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है दबा दिया। आगे बोलो। तो कैसे हैं मेरे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में जो हमने कल कूड़ा करा था, अब अपनी गली को हमको स्वच्छ बनाना है। तो अभी हम गली को साफ करने के लिए जा रहे हैं, बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। तो हमको यहाँ साफ करना है और यहाँ साफ करना है, और उस साइड जो पटाखे फोड़े थे वो भी साफ करने हैं। बस मेरी आपसे एक ही उम्मीद है कि भारत को स्वच्छ रखा करें। तो पहले करता हूँ यहाँ पे साफ। कल हमने बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी थी यहाँ पे, तो मैंने वहाँ से तो साफ कर दिया है और सब कूड़ा इकट्ठा यहाँ कर दिया। अब इस कूड़े को निकाल के वहाँ फेंक दूंगा। साफ तो मैंने पूरे में कर दिया है और एक जगह यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करके चलते हैं ऊपर। और मैंने इसलिए बांधता है कानों में ठंड ना लगे, क्योंकि सर्दी हो रही है बहुत। अभी तक सर्दी सही नहीं हुई है, तो अभी चलता हूँ ऊपर। अब इसको उतारता हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है इसको यार। कानन में सही दे रहा हूँ गर्मी। बार बार कान ऐसे आता घूंगा रहे थे। मेरा मन कर रहा था कुछ खाने का, तो ब्रेड रखी थी और आलू कल उबले उलाए थे तो वो बच गए थे थोड़े से, तो मैंने वही आलू निकाल लिए और दीदी ने वो आलू छील दिए। और अभी हम ब्रेड सैंडविच दही वाला, तो अभी तो दीदी इसे साफ कर रही है, जब ऊपर आ जाएंगी तभी इसको बना देंगी। सामान और बहुत देर से भूख भी लग रही थी, और हमारी सिम्मी ये खड़ी, सिम्मी धूप प्लस इस नहीं, सिम्मी धूप नहीं सेक रही, सिम्मी गाय को देख रही है और दीदी साफ कर रही है नीचे। दीदी भी आ चुकी हैं हमारे ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए दही वाले। मम्मी ढूंढ रही हैं काली वाली राई, मिल पता हो तो मैं पर भूल गई हूँ, तो इससे ढूंढ रहा ही कहते हैं, इसका होल उसका ढूंढना ही हुआ। सिम्मी ने अपना बैलून फिर से ले लिया। पांचवी बैलून दिखाइए जी। क्या किसी को भी देना, तो काली वाली राय भी मम्मी को मिल चुकी है। थोड़ा लाए मसाला स्टफिंग, ये हम तो आलू में मसाला मिक्स हो गया एक अंगे। मैं बनाना स्टार्ट कर दिया, तवा भी गर्म हो चुका है हमारा। कश्मीर को मम्मी दीदी अच्छी कुकिंग करते हैं ना, अच्छा बनाते हैं। एक सैंडविच तो दीदी ने बनने के लिए रख दिया है और दूसरा अभी रेडी कर रही है। दो मैं खाऊंगा, एक एक भैया खाएंगे, एक तुम खा लिए, ये दो ही खाओगे, तुम कितने खाओ? खा लेंगे, बन तो जाएंगे। सिम्मी को अब शांति मिल गई, आराम से सो रही है। वैसे सिम्मी देखो मुंह में गुब्बारा दबा के सो रही है। हाँ मतलब वो पकड़ ली है, बाकी पुचकुनिया से उतका है। अरे यार सर्दी है, सर्दी 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 सर्दी। दीदी ने लगा दिया सैंडविच में राई, और राई वाला सैंडविच तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। राई फिर उसको काटते बीच में फिर दही। तो आपने कभी खाया है नहीं, कमेंट में लिख के बताना, और कैसा लगता है ये भी लिख के बताना। और बाहर भी मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, धूप निकल रही है तो अभी मौसम ठंडा है चल रही है, तो मैं हवा में खड़ा नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है, तो बार बार छींक चालू हो जाती है, इसलिए अंदर ही आ जाओ अपना अंदर ही सही है। हमारे सैंडविच भी रेडी हो चुके हैं, वे खाते हैं। और रियलिटी सैंडविच तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसा महसूस कर रहे हो बुखार होने के बाद? सर मैं दर्द है, सर गर्म पड़ रहा है, और पहले तनवा गर्म पड़ रहा है, और चेहरा भी लाल लाल सा हो रहा है। ये मुझे लगता है मेरे घर में दो मेंबर है, मैं मोटा ताजी हूँ और वो थोड़े सूखे सूखे से नए लगा दी मुझे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये सूखी ये सूखा इन दोनों ने मेरे बच्चे को नजर लगा दी। तो मुझे बुखार आ रहा था इसलिए मैंने ये बांध लिया। तो ब्लॉग को करते हैं एंड।
आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। हम ब्लॉग चल रहे हैं तो रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।